नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका आने वाला दिन कैसा हो सकता है। चौथी राशि लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। 29 अगस्त कर्क राशि आपके लिए एक ऐसा दिन होगा जब आप त्रिकोणीय समस्या का शिकार हो सकते हैं। अगर आप अपने विवाहेतर संबंधों के कारण किसी समस्या में पहले फंस चुके हैं तो वापस उस समस्या में फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर विवाहेतर आपकी कोई समस्या नहीं है या आपका कोई संबंध विवाहेतर नहीं है तो आपको इस दिन किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपके जीवन साथी का या आपके प्रेमी प्रेमिका का दिल टूट सकता है। उनका दिल किसी छोटी बात पर तुनक मिजाजी में टूट सकता है, इसलिए उनके साथ डील करते समय, बात करते समय थोड़ा सा सावधान जरूर रहें। आपकी कोई बात उन्हें ऐसी बुरी लग सकती है जिससे वे गांठ बांध लें, इसलिए उन्हें अपने बारे में जितना कम से कम इन्फॉर्मेशन देंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। कोशिश ये करिएगा कि 29 तारीख को आप अपने व्यवसाय में किसी गंभीर निर्णय को ना लें। इस दिन किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को अपने साझेदारों पर टाल दें या एक दिन के लिए छूट ले लें कि आपको सोचने का मौका चाहिए। इस दिन किसी भी नए कार्य को नहीं शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे वाद विवाद में इस दिन आप हार सकते हैं, इसलिए किसी तरह के आर्गुमेंट में ना उलझें। 30 अगस्त के दिन आप एक ऊहापोह की स्थिति में रहेंगे, एक ऐसी कंडीशन में रहेंगे जहां आप सोच ना पाए कि आपको आगे क्या करना चाहिए। काफी समय तक, एक तरीके से माने दिन के काफी हिस्से में आप इस बात को लेकर अनिर्णय की स्थिति में होंगे कि आपको आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर करेंगे, दूसरे लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हटाएंगे और जब अपने आप को फोकस में लाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। एकला चलो रे की नीति पर काम करना है, अकेले अपने दम पर आगे बढ़ना है और सफलता को प्राप्त करके दिखाना है। आप चाहें तो सफलता को अर्जित कर सकते हैं, आपने पहले भी ऐसा किया है, ये आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है। आप पहले भी इस प्रकार के अनुभव को ले चुके हैं, इसलिए आप स्वयं पर 30 तारीख को जितना ज्यादा विश्वास करेंगे उतना ज्यादा आपके बेनिफिट में रहेगा। वैसे इस दिन परिवार व मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त रहेगा। 31 अगस्त को आप छोटी सी समस्या का शिकार हो सकते हैं। समस्या होगी तो छोटी, लेकिन अगर आपने इस पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया तो ये बड़ी हो जाएगी। और अगर आपने इस समस्या को छोटी ही रखा, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को यह संदेश प्रेषित कर दिया कि समस्या छोटी है और इससे आसानी से निपटा जा सकता है, तो समस्या वास्तव में छोटी हो जाएगी और आप उससे आसानी से निपट लेंगे। लेकिन इस दिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप दिखावा न करें। दिखावे वाले कोई भी कार्य करने से समस्या के बढ़ने की संभावना बन जाएगी, तो आप किसी भी समस्या को बड़ा न बनाएं। किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट से इस दिन बचे रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कहीं पर आपको अपने आप को ऐसा दिखाना हो कि आप दूसरे व्यक्ति के आर्गुमेंट के नीचे दब गए हैं या दूसरे व्यक्ति के आर्गुमेंट के आगे हार गए हैं, तो अपनी हार मान के वहां से निकल लें। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा बजाय इसके कि आप आर्गुमेंट में फंसे और एक समस्या का शिकार बन जाए। 1 सितंबर के दिन आपकी कोई योजना पूरी हो जाएगी या लगभग पूरी होने की कंडीशन पर पहुंच जाएगी। दोनों ही स्थितियों में आप एक प्रकार के संतोष की स्थिति में तो होंगे होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक प्रकार की उलझन भी रहेगी कि अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। जब आप ये सोचना शुरू करते हैं कि आगे क्या करना है, आगे कैसे करना है, तो आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप अपने आप को ज्यादा परेशानी में न डालें तो बढ़िया रहेगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने लूप होल्स किसी को ना बताएं, अपने सीक्रेट्स, अपने रहस्य किसी को ना बताएं। कोई कितना भी भावुक कर दे एक तारीख को, अपने रहस्यों को उजागर ना करें। कोशिश करेंगे तो आपसे ये हो पाएगा। और याद रखिएगा कि दूसरों के रहस्य भी तीसरे व्यक्ति के सामने उजागर ना करें। ओवरऑल इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 29 और 31 तारीख अच्छी तिथियां नहीं है, 30 तारीख सामान्य है, 1 तारीख बढ़िया है। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 29 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, बाकी 3 दिन अच्छे हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल 1 तारीख अच्छी है, बाकी 3 दिन बढ़िया नहीं है। तो मित्रों, ये था दैनिक राशिफल 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक के लिए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।